हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास टेंथ सब्जेक्ट एसटी यानी सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डेवलपमेंट यानी विकास। सबसे पहले आप विकास की मूलभूत परिभाषा को समझिए, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो आप जानते हैं, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आदि मानव थे तो वो गुफाओं में रहते थे। उसके बाद थोड़ा सा उनमें सेंस आया, उन्होंने पेड़ों पर अपने आशियाने बनाए। उसके बाद फिर उन्होंने अपने सेटलमेंट्स यानी सही रिहाइश बनाने शुरू कर दिए नदियों के किनारे, और वहाँ पर उन्होंने कच्चे मकान झोपड़ी टाइप बनाने शुरू कर दिए, घास फूस के कच्चे मकान बनाने शुरू कर दिए। और आज के दौर में इंसान के पास सीमेंट, ईंट और अच्छे मसाले से बने हुए पक्के मकान होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो शुरू में गुफाओं के और पेड़ों के जीवन से लेकर आज का जो जीवन स्तर है, जो उसकी रिहाइश इतनी मजबूत हुई है, इस प्रक्रिया को हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल एज प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने वाले जो निर्माता होते हैं और जो उनके यूज करने वाले कंज्यूमर्स होते हैं। तो ऐसे लोगों के जो आर्थिक जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब आता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, यानी अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे मैन हैज ऑलवेज बीन फिल्ड विद द आइडियाज ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। हमेशा इंसान अपनी तरक्की और विकास के बारे में सोचता है। ही हैज डिजायर एंड एस्पायरेशन अबाउट हिज वेज ऑफ लिविंग, और जो उसका जीवन स्तर है उसको हमेशा अच्छा करने के लिए सोचता है। सिमिलरली ही हैज आइडियाज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हिज कंट्री। इसी प्रकार अपने देश के विकास का भी उसके अंदर विचार होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अचीविंग द डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पायरेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। और हम अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करते हैं, उनसे सीखते हैं, डेवलपमेंट उद्देश्य बनाते हैं और अपनी इच्छाएं रखते हैं। पीपल हैव डिफरेंट नोशंस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस, और तरक्की और विकास के बारे में विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं लोग बनाते हैं। दे सीक थिंग्स विच कैन फुलफिल देयर एस्पायरेशन। वो हमेशा ऐसी बातों को, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं जो कि उनकी उनकी विलासाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। विभिन्न प्रकार के लोगों के विभिन्न प्रकार के ही उद्देश्य होते हैं। वाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। अगर हम दो व्यक्ति हैं, एक की हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको दूसरा पसंद नहीं करता। फॉर इंस्टेंट सम पीपल मे बी इन फेवर ऑफ मोर डैम्स टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब बहुत से लोग तो होते हैं कि भाई बिजली का उत्पादन अपर मात्रा में होना चाहिए, जिसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए जो जल की आवश्यकता है उसके लिए हमें डैम बनाने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं अगर डैम बन गया तो शहर के बहुत बड़े क्षेत्र को घेर लेगा और हमारी रिहाइश खत्म हो जाएंगी, तो वहां पर उनका विचार नेगेटिव बन जाता है। तो कुछ लोग तो सोचते हैं डैम बन जाए और कुछ लोग सोचते हैं डैम नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ क्लास के अंदर भी, उत्तरकाशी में टिहरी डैम बना। टिहरी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जब बना तो काफी उसके बारे में ऑब्जेक्शन उठाया गया। एक तरफ तो लोग उसका विरोध कर रहे थे कि भाई इससे तो टिहरी शहर का नाश हो जाएगा, तो दूसरी तरफ लोग कह रहे थे इससे बिजली अत्यधिक मात्रा में पैदा होगी। तो इसका मतलब यह है कि हर तरह के लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख लेना, इसमें पढ़ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनकम एंड अदर गोल्स। पीपल एस्पायर फॉर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेज एंड बेटर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस। लोग चाहे अपनी फसलें उगाते हैं या कोई भी सामान बनाते हैं, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि उनको अच्छा पैसा मिले, उसको अच्छी कीमत पर बेचें,
बिसाइड्स मोर इनकम और ज्यादा इनकम के अलावा दे ऑल्सो सीक इक्वल स्टेटस, यानी इनकम के बारे में सोचते ही हैं, लेकिन वो सब ये सोचते हैं कि कोई अमीर गरीब ना हो, हमारा स्टेटस भी अमीर के बराबर हो, ठीक है, अपने जीवन का स्तर समान हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर मिले, इक्वल ऑफ जस्टिस, समान न्याय मिले, फ्रीडम सिक्योरिटी सुरक्षा हो, आज़ादी हो, और सभी एक दूसरे के सम्मान करें। दे हैड डिस्क्रिमिनेशन, और वो भेदभाव पसंद नहीं करते। इन सम केसेस दे मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन बिकॉज मेटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड लाइफ। कुछ मामलों में ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि खाली मेटेरियल गुड्स ही हमारे जीवन को जीने के लिए काफ़ी नहीं है। मैन डज नॉट लाइव बाई ब्रेड एलन, खाली रोटी से ही इंसान का जीवन नहीं चल सकता। द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, खाली लोग यही नहीं सोचते कि हमारा जो उद्देश्य है एक बेटर इनकम हो, बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, लेकिन जीवन में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमको मिलनी चाहिए। पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स, यानी इनके जो गोल होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वो मिक्स होते हैं। मान लो एक अविकसित शहर है, छोटा सा शहर है, वहाँ पर एक आदमी की इनकम तो करोड़ों में है, लेकिन वहाँ सड़कों की व्यवस्था नहीं है। अगर मान लो उसको बहुत दूर यात्रा पर जाना है तो रेलवे जंक्शन नहीं है, पैसा तो है, इनकम है, लेकिन वो सुविधा नहीं है। अब उसको रेलवे का टिकट लंबी यात्रा पर जाने के लिए रिजर्व कराना पड़ेगा वहाँ पर जहाँ पर जंक्शन होगा। मान लो उसको बुलंदशहर से तमिलनाडु जाना है तो बुलंदशहर से उसको टिकट नहीं मिलेगा, उसको इसके लिए पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ से वो तमिलनाडु का कि किसी शहर का यानी चेन्नई जाना तो चेन्नई का टिकट रिजर्व कराएगा। तो इस तरह का भी वो बातें सोचता है इंसान कि जो सुविधाएं हमको बड़े शहर के अंदर मिलती हैं वो शहर के हमारे छोटे शहर में भी होनी चाहिए। सड़कें अच्छी होनी चाहिए, अब गाड़ियाँ तो हैं लेकिन सड़कें अच्छी नहीं हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं। तो ये भी उसका अगर देखा जाए डेवलपमेंट के नज़रिए से देखा जाए तो ये भी एक गोल होता है। खाली हमारी अपनी इनकम या हमारी रोजी रोटी ही हमारा डेवलपमेंट के नज़रिए को नहीं दर्शाती है, बल्कि हम एक उसकी क्वालिटी को भी देखना चाहते हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आंतरिक ढांचा है हमारे शहर का या हमारे जीवन में और भी बहुत सी चीज़ें हैं उनमें सुधार चाहते हैं, वो भी हमारे डेवलपमेंट का एक नज़रिया है। हाउ टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इनकम एंड अदर क्राइटीरिया। दो इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपेयरिंग डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। हमारे देश के अंदर कई राज्य हैं और हर राज्य के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अलग अलग है और उनका स्टेटस अलग है। येट वी फाइंड दैट पीपल डू नॉट थिंक ऑफ बेटर इनकम ओनली बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। फिर भी हम देखते हैं कि लोग पीपल डू नॉट थिंक ऑफ खाली बेटर इनकम के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो सोचते हैं कि इनकम के साथ साथ जो सुविधा एक विकसित राज्य में है वो हमको भी मिलनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सफाई व्यवस्था, समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान, ये सब चाहता है इन माइंड। अब कुछ एजुकेशन लेवल की बात करें, कुछ क्वालिटी एजुकेशन ऐसी है कि जो कि दूसरे स्टेट में मिलती है, हमारे स्टेट में वो सुविधाएं नहीं होती तो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। दे आर ऑफ व्यू दैट मनी कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स, मतलब ये है कि मनी से आप सभी चीज़ें नहीं खरीद सकते, गुड्स सर्विसेज सेवाएं नहीं खरीद सकते, एंड फैसिलिटी दैट दे मे नीड टू लाइव वेल, कि उनको ऐसी सुविधा चाहिए जिससे कि अपना जीवन अच्छा गुजार सकें। कलेक्टिव एफर्ट्स आर नीडेड टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल बाई द कंसर्न पर्सन एजेंसी डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट। अब इस तरह की सुविधा देने के लिए जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, एजेंसी होते हैं, विभाग होते हैं और सरकार होती हैं, उन सबको एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र हैज़ द हायर
हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज्यादा है। एंड द एवरेज पर्सन इन महाराष्ट्र हैज मोर इनकम, और जो औसत व्यक्ति की जो आय है वो ज्यादा है देन द एवरेज पर्सन इन केरला, केरला के औसत एक व्यक्ति की औसत आय से कहीं ज्यादा इनकम महाराष्ट्र के व्यक्ति की औसत आय से कम है, केरला वाले की कम है। बट इट लैक्स बिहाइंड इन क्रूशल एरियाज एज कम्पेयर टू केरला, कहीं कहीं महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम केरला से पीछे रह जाती है कुछ खास एरियाज की, लेकिन दोनों करीब करीब मिलते जुलते हैं, समान है, लेकिन महाराष्ट्र की ज्यादा है। द फॉलोइंग टेबल्स गिव सम कंपैरेटिव डाटा, तो इसमें एक टेबल दिया उसके अंदर सबसे पहले महाराष्ट्र की जो पर कैपिटा इनकम बताई है वह है 1,80,596 पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय। केरला की है 1,79,523 रुपीज। बिहार की बताइए 43,822 रुपीज। और ये डाटा उन्होंने दिया है सन 2018-19 का। अब देखिए सम कंपेरेटिव डाटा ऑन महाराष्ट्र केरला एंड बिहार। तो सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट का ये बताते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि एक साल में सरकार आंकड़े जुटाती है कि 1000 बच्चों में जिनकी उम्र एक साल से कम होती है और वो एक्सपायर होते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, एक साल से कम उम्र के बच्चे 1000 में से कितने एक्सपायर हो गए, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और उसके बाद फिर समझिए लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब है कि मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 साल और उससे अधिक एज उम्र के लोग कितने पढ़े लिखे हैं किसी स्टेट के अंदर। और नेट अटेंडेंस रेशो होती है कि स्कूल के अंदर 14 से 15 साल के बच्चे कितने प्रतिशत स्कूल के अंदर प्रेजेंट रहे, यानी कि अटेंडेंस कितनी नहीं, तो इसका आप देखिए टेबल में। महाराष्ट्र में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लिवर बर्थ यह सन 2016 में 19 थी। लिटरेसी रेट था 82%, नेट अटेंडेंस रेशो था 64% महाराष्ट्र के अंदर, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 19 पर 1000 पर, 1000 में 19 बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते थे जो इनकी उम्र एक साल से कम होती थी। केरला में 10, यही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला में 10 यानी वहां पर कम है, और लिटरेसी रेट है 94%, और अटेंडेंस रेशो है नेट अटेंडेंस रेशो यानी 78% बच्चे 14 साल कि वहां पर स्कूल जाते हैं, और जबकि महाराष्ट्र में कितना होता है 64। अब बात देखिए बिहार, बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मात्र 38, यानी 1000 बच्चों में से 38 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं जिनकी उम्र एक साल से कम होती है। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर बिहार की मात्र 62% है, और नेट अटेंडेंस रेशो मात्र 35%, 100 में से केवल 35% बच्चे ही स्कूल अटेंड करते हैं, तो कितनी